वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीरो जिस तरह की तुम ने मेरे थंबनेल में देख लेता होना कि आज दी वीडियो साड़ी किस टॉपिक पे, तो आज मैं तुम्हें दसांगा कि आप 5 मिनट में पढ़ना किस तरह बन सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दिया, तो आड़ा वीडियो ने स्टार्ट कर दा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीरो जिस तरह की तुम देख सकते हो, स्टार्टिंग में अपन पल्ले पिछों की लेंदे हुए एक कंधे उत्तों की पहले चढ़ाना है और उत्ते अपा इस तरह फड़ के रखना है। फिर दूजे हाथ नाल दूजे कंधे उत्ते चढ़ाते हुए चांद शेप नाल बनाते हुए कंधे उत्ते दी लेंदे हुए पिछों दी पिंच करना सानू। जिस तरह कि आप पग विच पिंच करते हैं ना, वैसे इस विच भी पिछों दी पिंच करना है ताकि अगे तो वड्डा ते पिछों दी थोड़ा छोटा आ जाए। तो पिछों दी पिंच कर दो, दूजा लड़ लेकर आए। जा इस विच ज़्यादा जरूरत तो नहीं है वट बनाना, इस विच आप ही वट बन जाते हैं। सिंपल सानू शेप बस मेनटेन करना, इसका वधिया तो वधिया शेप आए। तो जिस तरह कि तुम देख सकते हो, दूजा लड़ भी असी ने ले लेता है और जो तीजा लड़ है सानू खोल के लेना है। खोल के सिर उत्तर दी आएगा, उत्तर दे असा टक असी लोग टकांगे। तो तीजा लड़ आप पिछों की पिंच कर दे उत्ते लेकर आवेंगे और उत्तर दी टक देवे। जिस तरह कि तुम देख सकते हो, उत्तों की ढक देवे आप और सानू शेप का शेप मेनटेन करनी है ज़्यादा तो ज़्यादा। फिर आप चौथा लड़ लवेंगे, पिछे जिन्ना भी कपड़ा है उसनू लड़ विच पिछे फसा लेना है। पहले खिंच लो, वधिया तरीके नाल खिंच लो, उसके बाद पिछे फसा दो एंड पिछों दी पिंच करना है। फिर सानू पिछे फसा के पिंच करना है और उत्तों दी लेकर आना है। हल्का जा पिंच करे, उत्तों दी लेकर आया और इत्थे हाथ नाल भी तुसी शेप दे सकते हो। तो जिस तरह कि तुसी देख सकते हो, और इत्थे आ गया साडा पंजवा लड़। पिछों दी पिंच कीता, पिछों दी पिंच कर दे लेकर आया सी पंजवे लड़ नू। जैसा कि तुम देख सकते हो, शेप थोड़ा जा अलग हो गया है, लेकिन जिस तरह असं आखिरी वाला पल्ला फसावांगे तो शेप मेनटेन हो जाएगा। हुण मैं तुहानू दसदा, जैसा कि तुम देख सकते हो शेप अजे खराब हो गया। अब इसनों मेनटेन किस तरह करना है, जिस तरह अगर तुम भी वंडर कदे कदे शेप खराब हो जाता है तो उसनों ठीक किस तरह करना है, वो भी मैं तुहानू बतावांगा। पहले जो लड़ है जिथे घट कपड़ा है उत्थे पहले कपड़ा फसा लो, उसके बाद हाथ नाल पहले पूरी चारों तरफ हाथ फेर लो और हाथ मार के थोड़ा शेप नू मेंटेन कर लो। जैसा कि तुहानू देख सकते हो तुसी लोग, इस तरह तुहानू भी करना है, इस तरह शेप मेंटेन हो जाएगा। जिस तरह कि तुसी देख सकते हो, शेप पहले तो थोड़ा बेहतर हो गया है, इस तरह ही तुहानू करना है। और हाथ नाल हल्का जगह तुसी चाहो तो तुसी चांद शेप और वधिया कर सकते हो, उंगलियां नाल ही हल्का जगह खिंच के और अंगूठे नाल तुसी इस तरह चांद शेप दे सकते हो। वीडियो जिस तरह की तुसी देख सकते हो, साडा पढ़ना कंप्लीट हो गया है। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।